नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज़ादी के बाद कृषि जोतों में असमानता से पैदा हुई आर्थिक असमानता के कारण देश में किसानों की दशा अत्यंत दयनीय थी। भूमिहीन कृषकों की दशा सुधारने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने साल 1951 में आज ही के दिन भूदान और ग्रामदान आंदोलनों की शुरुआत की, जिससे भूमिहीन निर्धन किसान समाज की मुख्य धारा से जुड़कर गरिमा में जीवन व्यापन कर सके। आज के विशेष कार्यक्रम में बात भूदान आंदोलन की। भूदान आंदोलन एक ऐसा जन अभियान जिसका मकसद भूमि वितरण में सुधार और भूमि के पुनर्वितरण के लिए स्वैच्छिक और सामाजिक कृषि दान के लिए आंदोलन था। आज ही के दिन आचार्य विनोबा भावे ने सन 1951 में इसे आरंभ किया था। भूदान आंदोलन सिर्फ भूमि का वितरण नहीं था, बल्कि एक प्रक्रिया थी जिसके तहत समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना था। भूदान आंदोलन में 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान मिला था। उन्हें यह जमीन तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में दान में मिली थी। यहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आचार्य विनोबा भावे पद यात्राएं करते और गांव-गांव जाकर पड़े भू स्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए देने का अनुरोध करते थे। तब 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जो भारत में 30 करोड़ एकड़ जोतने लायक जमीन का छठा हिस्सा था। आंदोलन के शुरुआती दिनों में विनोबा भावे ने तेलंगाना क्षेत्र के करीब 200 गांवों की यात्रा की थी। हैदराबाद के निजाम ने भी भूमिहीन किसानों के बीच फिर से वितरण के लिए इस आंदोलन की ओर अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से 14,000 एकड़ जमीन दान की थी। इसके बाद आंदोलन उत्तर भारत में फैला। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका गहरा असर देखा गया था। उस वक्त प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण जैसे कई बड़े नेता भी 1953 में भूदान आंदोलन में शामिल हो गए थे। मार्च 1956 तक दान के रूप में 40 लाख एकड़ से भी अधिक जमीन बतौर दान मिल चुकी थी। 1955 तक आते आते आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया। इसे ग्रामदान के रूप में पहचाना गया। इसका अर्थ था सारी भूमि गोपाल की। ग्रामदान वाले गांवों की सारी भूमि सामूहिक स्वामित्व की मानी गई, जिस पर पूरे गांव के लोगों का बराबर का अधिकार था। इसकी शुरुआत ओडिशा से हुई और इसे काफी सफलता मिली। 1960 तक देश में 4,500 से अधिक ग्राम दान हो चुके थे। भूदान आंदोलन 13 सालों तक चला, जिसमें आचार्य विनोबा भावे ने देश के कोने कोने का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने करीब 59,000 किलोमीटर का सफर तय किया। इस आंदोलन के तहत विनोबा भावे जी ने गरीबों के लिए 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में हासिल की। दान के रूप में प्राप्त जमीनों में से 13 लाख एकड़ जमीन उन किसानों को बांटी गई जो भूमिहीन थे। विनोबा भावे के इस आंदोलन की विश्व भर में काफी प्रशंसा हुई। हालांकि समय के साथ इस आंदोलन का जोर भी कम होता गया। आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नानहरी भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर साल 1885 को रायगढ़ में हुआ। उनका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। बचपन से ही विनोबा भावे की रुचि अध्यात्म में थी।
15 साल की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने फ्रेंच विषय को चुना। विनोबा भावे महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना राजनैतिक और आध्यात्मिक गुरु बनाने का फैसला लिया। बगैर कोई सवाल उठाए महात्मा गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे महात्मा गांधी और विनोबा भावे के बीच संबंध काफी मजबूत होते गए। आठ अप्रैल साल 1921 को विनोबा भावे महाराष्ट्र के वर्धा गए। महात्मा गांधी ने उनको यहाँ गांधी आश्रम का प्रभार संभालने का निर्देश दिया। वर्धा में रहने के दौरान उन्होंने मराठी मासिक पत्रिका महाराष्ट्र धर्म निकाली। इस पत्रिका में निबंध और उपनिषद होते थे। महात्मा गांधी के प्रभाव में आने के बाद विनोबा भावे ने सक्रिय रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। असहयोग आंदोलन में शुरुआत से ही विनोबा भावे महात्मा गांधी के साथ रहे। विनोबा भावे के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी से ब्रिटिश सरकार आक्रोशित हो गई। उन पर ब्रिटिश शासन के विरोध करने का आरोप लगा। सरकार ने उन्हें 6 महीने के लिए जेल भी भेजा। उनको धुलिया स्थित जेल भेजा गया, जहाँ उन्होंने कैदियों को मराठी में भगवद गीता पढ़ाया। विनोबा भावे 1940 तक एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहे, लेकिन साल 1940 में महात्मा गांधी ने उनका परिचय संपूर्ण राष्ट्र से कराया। महात्मा गांधी ने पत्र लिखकर देश को बताया कि विनोबा भावे देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी है। विनोबा भावे को एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1957 से रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड के शुरुआती साल के अगले साल ही विनोबा भावे को सामाजिक कार्यों के लिए यह सम्मान मिला। विनोबा भावे का नाम आते ही जहन में उनके द्वारा चलाए गए भूदान आंदोलन की याद जरूर आती है। विनोबा भावे ने आजादी के बाद भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाने के लिए भूदान आंदोलन की शुरुआत की। विनोबा भावे ने देश के तमाम जमींदारों से अपील की कि वे अपने जमीन का कुछ टुकड़ा दान करें। यह आंदोलन पूरे भारत में जोर शोर से चलाया गया। विनोबा भावे ने इसके लिए खुद पूरे भारत का भ्रमण किया। यह आंदोलन 1951 से शुरू होकर विनोबा भावे के मरणोपरांत तक जारी रहा। विनोबा भावे ने गायों पर हो रहे जुल्म और गौहत्या के खिलाफ भी आंदोलन किया था। उनका मानना था कि किसी भी प्राणी की हत्या गलत है। नवंबर साल 1982 में विनोबा भावे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में खाना और दवा लेने से इनकार कर दिया। 15 नवंबर साल 1982 को उनका देहांत हो गया। बीसवीं सदी के 5वें दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। ये रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। सर्वोदय समाज का मकसद भारतीय समाज से जाति भेद मिटाना और आर्थिक विषमता दूर करना था, जिससे सर्वोदय समाज बनाया जा सके। सर्वोदय की समाज रचना में अंतिम व्यक्ति समाज की चिंता का सबसे पहले अधिकारी है। आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि सर्वोदय का अर्थ सर्व सेवा के माध्यम से सभी प्राणियों की उन्नति करना है, जिसकी झलक हम भूदान आंदोलन में देख सकते हैं। सर्वोदय समाज गांधी की कल्पनाओं का समाज था, जिसके केंद्र में भारतीय ग्राम व्यवस्था थी। सभी जीव जीव के लिए बराबर संभाव और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहानुभूति ही सर्वोदय का मार्ग है।
आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय के जरिए ऐसे वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिल सके। विनोबा भावे कहते थे कि सर्वोदय को सफल बनाने के लिए जाति भेद मिटाना होगा और आर्थिक विषमता दूर करनी होगी। इनको मिटाने से ही सर्वोदय समाज बनेगा। वो कहते थे कि सर्वोदय ऐसी समाज रचना चाहता है जिसमें वर्ण, वर्ग, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का ना तो अपमान हो ना बहिष्कार हो। सर्वोदय की समाज रचना ऐसी होनी चाहिए जो सभी के निर्माण और सभी की शक्ति से सभी के हित में चले, जिसमें कम या अधिक शारीरिक सामर्थ्य के लोगों को समाज का संरक्षण समान रूप से हासिल हो सके और सभी इक्विटेबल विजेस के हकदार माने जाए। सर्वोदय समाज के लक्ष्य में पारिश्रमिक की समानता, प्रतिस्पर्धा का अभाव और साधन शुद्धि पर जोर दिया गया था। इसके अलावा अनुवांशिक संस्कारों से लाभ उठाने के लिए ट्रस्टीशिप की योजना की वकालत की गई। उनका मानना था कि संपत्ति की विषमता कृत्रिम व्यवस्था के कारण पैदा हुई है, इसलिए शरीर, बुद्धि और संपत्ति, इन तीनों में जो जिसके पास हो उसे यही समझना चाहिए कि वो सबके हित के लिए ही मिला है। यही ट्रस्टीशिप का भाव है। अपनी शक्ति और संपत्ति का ट्रस्टी के नाते ही मनुष्य मात्र के हित के लिए प्रयोग करना चाहिए। सर्वोदय सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण चाहता है जिससे शोषण और दमन से बचा जा सके। केंद्रीकृत औद्योगिकरण के इस युग में तो ये और भी ज्यादा आवश्यक हो गया है। और इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।